के निधन के बाद बेटे अखिलेश ने मुंडवाया सिर, क्या पीएम मोदी ने भी माँ के निधन के बाद मुंडवाया सिर? सनातन धर्म में अंत्येष्टि सरकार के बाद कराया जाता है मुंडन, क्या मोदी ने भी निभाया सनातन धर्म का 16वां संस्कार? मानव जीवन को 16 संस्कारों में बांटा गया है, जो गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक चलती है, जिसके मुताबिक अंतिम संस्कार के वक्त एक बेटा अपने पिता या माता को मुखाग्नि देता है और इन संस्कारों का हर हिंदू पालन करता है। यहाँ तक कि कुछ ही महीनों पहले जब समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चिता को मुखाग्नि दी थी। उनके बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही चिता को मुखाग्नि दी थी और मुखाग्नि के बाद उन्होंने अपना मुंडन भी करवाया था, जिसके बाद 30 जनवरी को जब पीएम मोदी की मां का निधन हुआ था तो उन्होंने खुद अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। लेकिन इसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया कि पीएम मोदी ने मुखाग्नि देने के बावजूद मुंडन क्यों नहीं कराया। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी अपने नेता अखिलेश यादव की मुंडन वाली तस्वीर को पोस्ट करते हुए पीएम मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था और कहा था कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए 13वीं तक सब कुछ त्याग पिता की आत्मा को शांति हेतु पाठ किया, एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद माँ के निधन के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ, हिंदू कौन हुआ? सपाई नेता आईपी सिंह के उठाए गए सवालों पर सोशल मीडिया पर बहस चल ही रही थी कि इसी बीच एक और तस्वीर वायरल होने लगी, जिसमें पीएम मोदी दाढ़ी मूछ और सिर मुंडवाए हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स तो उनकी इस तस्वीर को शेयर करते हुए कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपनी माँ के लिए मुंडन करवाया है, धन्य है ये कर्मयोगी पीएम मोदी जी, माता जी हीराबा को भावभीनी श्रद्धांजलि। यूपी बीजेपी कार्यकर्ता अभिषेक मिश्रा ने भी पीएम मोदी की यही तस्वीर पोस्ट करते हुए बिल्कुल यही लाइन लिखी। यानी सोशल मीडिया पर इस तरह के तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने हिंदू संस्कारों को निभाते हुए अपनी मां को मुखाग्नि देने के बाद अपना सिर मुंडवाया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हिंदू संस्कार में भले मुखाग्नि देने के बाद बेटे सिर बाल और मूछ मुंडवाते हो, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया है और जो मुंडन वाली उनकी तस्वीर वायरल हो रही है वो तस्वीर दरअसल फोटोशॉप है, यानी पीएम मोदी की पुरानी फोटो को एडिट करके ये फोटो बनाई गई है। ये फोटो साल 2017 की है, जिसमें आप देख सकते हैं पीएम मोदी के सिर पर बाल है, दाढ़ी और मूछ भी है, जबकि कंधे पर एक शॉल भी है, तो वहीं एडिट की गई फोटो में भी कंधे पर शॉल नजर आ रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पीएम मोदी की मुंडन वाली तस्वीर फर्जी है, उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया है। बहरहाल हिंदू धर्म में मानव जीवन का 16वां यानी आखिरी संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसमें दाह संस्कार के बाद सिर मुंडवाने का भी नियम है। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही कारण है। धार्मिक कारण ये माना जाता है कि सिर मुंडवाकर मृत व्यक्ति की आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। बाल मनुष्य का श्रृंगार माना जाता है, सिर मुंडवाना शोक का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए जिस परिवार में व्यक्ति की मृत्यु होती है वो सिर मुंडवाते हैं। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से सिर मुंडवाने का कारण ये है कि दाह संस्कार के समय शव के जलने से कई दूषित पदार्थ शरीर पर आकर चिपक जाते हैं। शरीर तो स्नान से शुद्ध हो जाता है, लेकिन सिर की शुद्धि के लिए बाल मुंडवाना जरूरी होता है, इसलिए हिंदू धर्म में मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को मुंडन कराना पड़ता है। हालांकि पीएम मोदी ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि देने के बाद सिर बाल और मूछ नहीं मुंडवाया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की जो तस्वीर वायरल हो रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको दिखाते हैं वो दुख के पल जब पीएम मोदी अपनी माँ को अंतिम विदाई दे रहे थे।